इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां एक तरफ राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान होता है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल उनके सपोर्ट में आ जाते हैं और सरकार पर साजिश करने के आरोप भी लगाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा है, गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद है, लेकिन राहुल गांधी को मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। और जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना, हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान मोदी सरनेम पर बोलने पर राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। राहुल गांधी पर काफी समय से सूरत की कोर्ट पर यह मानहानि का केस चल रहा था। कोर्ट के फैसले के तहत उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई है। इस सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है ताकि वह ऊपरी अदालत में जाकर इस फैसले की अर्जी दे सके। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सारे चोरों के नाम मोदी कैसे। इसके बाद उन पर मानहानि का केस हुआ और कोर्ट ने दोषी करार दिया।